अगला एक महीना भारत के लिए अहम होगा। ये बड़ी खबर है जिससे शुरुआत आज कर रही हूं महाभारत की, कि चीन, यूरोप, जापान में भी हालात बिगड़े हैं इस नए स्ट्रेन के बाद, और इन्हीं देशों के रास्ते भारत वायरस आता है, ऐसा ट्रेंड देखा गया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम 2023 वाले परीक्षार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, इस बार आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा आसान आने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए। आपको बता दें, इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन की संख्याओं में इजाफा किया गया है। पहले दोस्तों 5 MCQ क्वेश्चन और 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे आपके क्वेश्चन के पेपर में, लेकिन दोस्तों अब इनकी संख्याओं को बढ़ाकर, जी हां दोस्तों, अब 10 MCQ क्वेश्चन और 10 आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। उसके अलावा दोस्तों आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में थोड़ी कटौती करी गई है, लेकिन उनके अंकों को बढ़ा दिया गया। पहले जो हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन आता था वो 2 या 3 नंबर का आता था, लेकिन अब से लघु उत्तरीय जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 4 से 5 नंबर के आएंगे, और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे वो कम से कम 6 नंबर के आने वाले हैं। यानी कि दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आपका पर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होने वाला है, और जो मिड टर्म वाला क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों कैसे लगा ये पैटर्न आपको, कमेंट करके जरूर बताएं। काफी बड़ी खुशखबरी है सभी परीक्षार्थियों के लिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को जोर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।